भी चाहता है कि उसके परिवार और जीवन में हर पल खुशहाली और सुख शांति बनी रहे। ये कैसे संभव होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख ना आए या कोई भी संकट या कष्ट ना आए? इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर सकते हैं, खुशहाली जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए आज हर व्यक्ति के कष्ट और संकट को दूर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला उपाय तो यही है कि हर कष्ट और संकट की घड़ी में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, उन दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि जब आप सुबह उठें, उसके बाद में नहा धोकर सबसे पहले आप घर से बाहर जा रहे हैं, उस टाइम एक रोटी और गुड़ लेकर जाएं और सबसे पहले जो गाय आपको गौ माता मिले उस गौ माता को अपने हाथ से खिलाएं, उससे भी आपके कष्ट और संकट दूर होते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय क्या है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का? तीसरा उपाय ये है कि तांबे के एक लोटे में जल ले और उसमें चुटकी भर कुमकुम डालकर बरगद के पेड़ पर नियमित रूप से चढ़ाएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे उपाय की। अगला उपाय ये है कि आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और मछलियों को उन गोलियों को खिलाई जाए। हो सके जहाँ तक अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा खिलाई जाए तो आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाल जिंदगी बनी रहेगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है जो चींटियां होती हैं, कीड़ी मकोड़े ये सब होते हैं, उनको नारियल और शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाया जाए तो आपकी खुशहाल जिंदगी होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होगी। वैसे भी हमें कीड़े नगरे पे कुछ ना कुछ डालना चाहिए, अनाज वगैरह, उससे भी हमारे कष्ट दूर होते हैं। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय यह है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन स्त्री अपने पति को गाय के दूध से बनी हुई खीर अवश्य खिलाएं। खीर में शक्कर के स्थान पर मिश्री डाल दें तो आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होगी और आप हमेशा जीवन खुशहाली जीवन जिएंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय है कि आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर चंदन या फिर मोगरे का इत्र दान करें तो आपके परिवार में सुख और शांति और खुशहाली की कामना करें और पूर्ण होगी। इस तरह से और लक्ष्मी माँ की प्रतिदिन आपको पूजा करनी चाहिए, उससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगला उपाय है कि सुबह घर से निकलने से पहले जो भी सदस्य अपने घर से निकलते हैं वो अपने माथे पर चंदन या सुगंधित अष्टगंध का तिलक जरूर लगाएं, उससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। या फिर आप सिंपल रोली जो अपने घर में रहती है, रोली और चावल, उनका भी तिलक लगाकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं और जो भी आप मन में करके धारण जाते हैं कि आज ये काम पूर्ण हो जाए, वो आपका काम पूर्ण होगा। ऐसे ही काफ़ी वीडियो शेयर किए गए हैं फ्रेंड्स, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को जानकारियाँ मिल सके और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।